औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की वजह से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। किसकी नीतियों की वजह से? औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की वजह से ही मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। तो सबसे पहले आओ हम जानते हैं कि मराठा साम्राज्य के उदय होने में जो सर्वोपरि हाथ है या जिनकी वजह से उदय हुआ, उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का उदय किया और मराठा साम्राज्य की पताकाएं दूर दूर तक फैलाई। और इतने एक कुशल बादशाह, अच्छे सेनापति और अच्छे उदार हृदय के व्यक्ति थे। अब सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी, तो इनके पहले माता पिता के बारे में जानते हैं। छत्रपति शिवाजी की जो माता जी थी, उनका नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। और जो पिता थे, उनका नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले। माता जी का नाम मैंने पहले क्यों लिखा? क्योंकि इनकी माता जी की वजह से शिवाजी इतने महान बने। इनके जिंदगी में इनके माता जी और इनके गुरु थे, उनका ही पूरा देन था कि शिवाजी उनकी ही पदचिन्हों पर चल के, उनकी ही देख रेख में चल के शिवाजी इतने महान हुए। इनके भी दो गुरु थे। किनके? शिवाजी के दो गुरु थे। एक थे गुरु रामदास, रामदास, और दूसरे गुरु थे कौंडदेव या फिर कौणदेव। अब इतिहास में और कोई राजा हुआ जिसके दो गुरु थे? कोई जानता है? इतिहास में कोई राजा और था किसके थे? अकबर के दो गुरु थे। एक था लड़ाई सिखाने वाला और एक पढ़ाई सिखाने वाला। सेम यहाँ, जो गुरु कौंडदेव थे या कौंडदेव थे, वो शिवाजी को राजनीति के बारे में सिखाते थे, और जो रामदास थे वो आपको या शिवाजी को सिखाते थे अध्यात्म के बारे में। दो गुरु थे। 1657 में, कब? 1657 में इनकी झड़प हो गई। किससे? औरंगजेब से। किनकी? शिवाजी की। औरंगजेब ने आप इन शिवाजी से लड़ने के लिए एक सेनापति भेजा जिसका नाम था शाइस्ता खां। क्या नाम था? शिवाजी से लड़ने के लिए शाइस्ता खां को भेजा, लेकिन शिवाजी ने उसे हरा दिया। शिवाजी ने उसे हरा दिया। फिर एक और भेजे, आदिल खां। किसे भेजा? आदिल खां भेजा। उन्हें भी शिवाजी ने हरा दिया। अब औरंगजेब बहुत परेशान हुआ। कि जिसे चाहते उसको हरा देते हैं। तो उस समय कंडीशन क्या थी, जरा देखते हैं हम लोग। यहां आपका शिवाजी का राजकाज था, नीचे बीजापुर के सुल्तान, और यहां पर आपका दिल्ली में बैठा कौन? औरंगजेब। अब शिवाजी की दिक्कत यह थी कि इनसे भी झगड़ा था और इनसे भी झगड़ा था। वो शाइस्ता खां को हरा दिया। उसके बाद यहाँ एक किला था, पुरंदर का किला। कौन सा किला? पुरंदर का किला। इसे जीत लिया शिवाजी ने। पन्हाला, इसका भी किला बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी ने जीत लिया। अब जब बीजापुर के भी परेशान हो गए, तो उन्होंने अपना एक खूंखार सेनापति, नाम था, याद करो, अफजल खां। याद आया? अफजल खां। अफजल खां को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। अफजल खां ने इन्हें अपने पास मिलने की बुलाया। किस किले में? पन्हाला के किले में। और इनसे कहा, तुम खाली हाथ आना। लेकिन शिवाजी अफजल खां को जानते थे, अपने हाथों में बगनक छिपा के ले गए। जैसे ही बुलाने को आया,
तो अफजल खान ने अपना चाकू निकाला मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही शिवाजी ने बगनक से उसको फाड़ दिया और अफजल खां को मार डाला। इस प्रकार से अफजल खां भी मारा गया। लेकिन औरंगजेब भाई बहुत बड़ा बादशाह था, उसने फिर बोला किसको बुलाया जाए इसके लिए। तो इसके लिए आमेर के राजा जयसिंह, क्या नाम है, जयसिंह को बुलाया। वो राजपूत था, और अब राजपूत था तो भाई मान सम्मान इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता था। तो जो औरंगजेब ने बुलाया, उन्होंने कहा कि शिवाजी को हरा दो, और शिवाजी से युद्ध लड़ा उसने, किसने, जयसिंह ने युद्ध लड़ा। और जो किला था पुरंदर का किला था, इस पर चारों ओर से जयसिंह ने घेर लिया, और उसमें फंस गए कौन, शिवाजी फंस गए। अब शिवाजी हार गए, उन्हें पुरंदर की संधि करनी पड़ी। किसी संधि करनी पड़ेगी, पुरंदर की संधि करनी पड़ी। और पुरंदर की संधि करनी पड़ी, इसके एवज में जयसिंह ने कहा कि तुम अपने लड़के, किसका लड़का, शिवाजी के लड़के को आप मेरे साथ भेजो, और आप मिलने आना औरंगजेब से आगरा में। अब शिवाजी ने अपने लड़के को भेज दिया, किसके साथ, जयसिंह के साथ। और बाद में ये आगरा मिलने गए, हार तो गए थे, आगरा मिलने गए तो आगरा में शिवाजी का जो बातचीत थी, उनका मान सम्मान ज़्यादा नहीं किया। शिवाजी वहाँ भी अपना बहस करने लगे, तो शिवाजी को उन्होंने कैद कर लिया, और कैद करके बंद कर लिया शिवाजी को। अब शिवाजी ने क्या किया, धीमे धीमे अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ाते रहे, और दाढ़ी मूंछ बढ़ाते रहे। तो कुछ समय बाद शिवाजी एक फल की टोकरी में बैठ के वहाँ से भाग गए। भागने के बाद दोबारा से सूरत को लूट लिया। किसको लूटा, सूरत। सूरत एक जगह है गुजरात में, जो व्यापारिक केंद्र था मुग़लों का, उसको लूट लिया, और कह दिया मराठा एक स्वतंत्र साम्राज्य है। और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई। और गंगा राव को, या गंगा भट्ट, क्या नाम है, गंगा भट्ट, एक पंडित थे, इनको बनारस से बुलाया, किसने, शिवाजी ने, और अपना राज तिलक करा दिया, और खुद बन गए राजा। क्या बन गए, राजा। और उस समय राजा को, जो शिवाजी राजा बने, उनको कहा गया छत्रपति। क्या कहा गया, छत्रपति, छत्रपति कहलाने लगे। और इस प्रकार से शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का उदय कर दिया। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में, और इनकी मृत्यु हुई 1680 में। जरा शिवाजी की वंशावली देखते हैं। शिवाजी की दो पत्नियां थीं, क्या नाम है, साईबाई, और इनके लड़के हैं राजा राम, और उनके लड़के हैं शिवाजी सेकंड, ठीक है। और इधर संभाजी, साहू जी। तो जो औरंगजेब के यहाँ लड़का भेजा गया, तो वो कौन सा था, संभाजी। आगरा किले में जब मिलने गए, संभाजी थे। उनके बाद साहू जी बने हैं, और साहू जी के बाद मुख्य रूप से पेशवा काम करने लगे। मतलब पूरा सिस्टम क्या था, पहले जो राजा होता था छत्रपति, क्या होता था, छत्रपति, और उनका जो मंत्री होता था वो अष्टप्रधान होता था। अष्टप्रधान होते थे, जो आठ मंत्री होते थे, उनमें से ही जो मुख होता था उसे कहा जाता था पेशवा। क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। लेकिन जब साहू जी के बाद जो छत्रपति थे, राजा होते थे, उनका काम धाम ख़त्म कर दिया। अब राजा कौन होने लगा, खुद पेशवा। कौन होने लगा राजा, पेशवा खुद अपना। से पहले बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट,
पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव और माधवराव, ये क्या होने लगे, खुद मंत्री होने लगे या खुद राजा बन गए। और इनका एक बड़ा संगठन बन गया। बड़ा संगठन का मतलब इसमें चारों ओर के जो मुख होते थे वो शामिल थे, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया, कहाँ के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और बड़ौदा के गायकवाड़, ये अलग अलग राजा थे जो किसमें शामिल थे, मराठा साम्राज्य में शामिल थे, अलग अलग राज चलाते थे। इस प्रकार जो राजकाज था किसका, मराठाओं का, लगभग इतने पूरे भाग में फैला हुआ था, पूरे भाग में फैला हुआ था मराठा साम्राज्य। जब माधवराज राजा बने, किन्हीं कारणों से माधवराज की जब मृत्यु हो गई, पेशवा की मृत्यु हो गई, तो माधवराव के जो चाचा जी थे रघुनाथ राव, क्या नाम था, रघुनाथ राव, ये पेशवा बनना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, माधवराव के पुत्र नारायण दास की हत्या करवा दी और अपना अंग्रेजों के पास चले गए कि मुझे पेशवा बना दो। अंग्रेज यही चाहते थे, अंग्रेज यही चाहते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने मराठाओं से संघर्ष शुरू कर दिया। इस प्रकार से लगभग 4 युद्ध हुए, मराठा युद्ध, जिसमें से धीमे धीमे करके पूरी मराठा शक्ति क्या हो गई, छीड़ हो गई और पूरा कब्जा किसका हो गया, अंग्रेजों।